नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे अनकंस्ट्रेंड चेन और कंपाउंड काइनेमेटिक चेन के बारे में, जिसके अंदर हम लेंगे अरेंजमेंट ऑफ 5 लिंक्स और 6 लिंक्स का, यानी 5 लिंक का अरेंजमेंट हमने लिया है और 6 लिंक को हमने जोड़ा है। तो इनका हम देखेंगे, जो हमें इक्वेशन थी हमारे पास वो कौन कौन सी थी, पहले हम वो देख लेते हैं। जो लिंक और पेयर के बीच में क्या थी, L इक्वल टू 2P-4, और दूसरी थी जॉइंट और लिंक के बीच में, जॉइंट इक्वल टू 3/2, लिंक कितने हैं -2। तो ये इक्वेशन थी, अगर ये दोनों ओबे करती हैं तो हमारी होती है काइनेमेटिक चेन, नहीं तो वो काइनेमेटिक चेन नहीं होती। तो 5 लिंक के लिए हम देखते हैं, ये एक लिंक है, ये दूसरा लिंक है, ये तीसरा लिंक है, ये चौथा लिंक है और ये 5वां लिंक है। तो यहाँ पे जो लिंक कितने हैं वो हैं हमारे पास 5। इसी तरह से जॉइंट गिन लेते हैं, ये जॉइंट 1 है, ये जॉइंट 2 है, ये जॉइंट 3 है, ये जॉइंट 4 है और ये जॉइंट 5 है, जहाँ जहाँ पे जॉइंट लगा है। तो जॉइंट आपके पास कितने हैं, जॉइंट भी 5 हैं। अब पेयर हम गिन लेते हैं, पेयर ये इसके साथ बनाएगा एक आ जाएगा, ये इसके साथ बनाएगा दूसरा, ये इसके साथ बनाएगा तीसरा, ये इसके साथ बनाएगा चौथा और ये इसके साथ बनाएगा 5वां पेयर। तो पेयर भी हमारे पास 5 हैं। अब देखिए, अब ये सारी चीज़ें आ गई हैं, अब हम इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। तो हमारे पास जो L है, जो लिंक है, तो वो कितना है, पहले हम आप इसी को लिख लीजिए, L इक्वल टू क्या है, 2P-4 है। तो लिंक कितने हैं आपके पास, 5 हैं, और 2 पेयर कितने हैं आपके पास, वो भी 5 हैं, -4। तो यहाँ 5 = 5×10-4, 6, यानी कि जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, बड़ी है लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये ओबे नहीं करती, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसने ओबे नहीं किया। सेकंड इक्वेशन देखते हैं, अब सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, J इक्वल टू 3/2L-2, ये है J। जॉइंट कितने हैं आपके पास, 5 हैं, 3/2। लिंक कितने हैं, लिंक भी आपके पास 5 हैं, -2। अब आप इसको सॉल्व करें, 5 = 5×15, 15/2, जब 15 को 2 से डिवाइड करेंगे 7.5 आएगा, 7.5 आएगा, -2 आएगा। यहाँ पे 5 = किसके आ गया, 7.5 में से 2 गया, 5.5 आ जाएगा, यानी कि जो राइट हैंड साइड है वो फिर से बड़ी आ गई लेफ्ट हैंड साइड के। तो इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है, ओबे नहीं करती, दोनों ही इक्वेशन ने ओबे नहीं किया, यानी कि ये आपकी काइनेमेटिक चेन नहीं है। इस टाइप की चेन को आप अनकंस्ट्रेंड चेन बोल देते हैं, इस टाइप की जो चेन होती है अनकंस्ट्रेंड चेन है, जो रिलेटिव मोशन है यानी कि कम्प्लीटली कंस्ट्रेंड नहीं है, डेफिनेट डायरेक्शन जो हमें चाहिए थी उसमें नहीं है, तो इस तरह की अनकंस्ट्रेंड चेन हम उसको बोलते हैं। प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंस इस चेन का काफ़ी कम होता है, यानी कि प्रैक्टिकली इसको काफ़ी कम यूज़ किया जाता है। बात करते हैं 6 लिंक अरेंजमेंट की, तो 6 लिंक जो अरेंजमेंट होगी वो क्या होगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपको लिंक दिए गए हैं, 6 लिंक आपने इसके अंदर यूज़ करने हैं। 6 लिंक कौन कौन से हैं, एक लिंक ये है, दूसरा लिंक ये है, तीसरा लिंक ये है, 4th लिंक ये है और 5th लिंक ये है, 6th लिंक ये है, या आप 5th, 6th इसको लिख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर देखिए, पहले ये 4 लिंक थे और जो ये 2 लिंक हैं, 5वां और 6ठा लिंक, इस हिसाब से इसके अंदर जोड़ दिया गया है कि एक पेड़ तो ये खुद का ही बना लें, और एक ये इसके साथ बना लें जो कि एग्जिस्टिंग लिंक था। तो यहाँ पे देखिए, ये एक पेयर बनता है, ये दूसरा पेयर बनता है, ये तीसरा पेयर बनता है, लेकिन इसके साथ आगे जो इसका मोशन जाएगा, इस पे जाएगा 4था पेयर, ये बन जाएगा और इसी तरह से ये 5वां पेयर लास्ट जो है ये बन जाएगा। तो इसके अंदर देखिए, आप जो आपके पास लिंक कितने हैं, लिंक तो 6 हैं और यहाँ पेयर देखिए 1, 2, 3, इसका मोशन इस पे गया 4, इसका इस पे गया 5, तो ये फिर से गया, यानी कि जो पेयर बनते हैं वो 5 बनते हैं। अब जॉइंट देख लीजिए, ये जॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जॉइंट बनते हैं आपके पास 7।
तो इस तरह से आप इसको निकालेंगे। तो ये पहले देखिए, मान लीजिए चार की थी, इसको ध्यान से समझिए, 1, 2, 3, 4 लिंक थे। ये दो लिंक इस तरह से जोड़ दिए गए इसके अंदर कि खुद का ही एक सेल्फ पेयर बनाए और एक जो एग्जिस्टिंग लिंक है उनके साथ बनाए, तो इस तरह से जोड़ दिए गए हैं। तो यानी कि जैसे चार थे तो एक जो पेयर है एक्स्ट्रा वो रहेगा, तो यानी कि पेयर 5 हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर इसको पुट करके देखिए, एल इक्वल टू 2p-4, क्या ये सही आता है? पेयर कितने हैं? 5, तो ये 4 लिंक कितने हैं? 6 थे, तो 6 इक्वल टू 5 × 10 - 4 = 6, बिल्कुल राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आती है, ये ओबे करती है ये वाली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन देख लीजिए, जे इक्वल टू 3/2 × L-2, जे कितना है आपके पास? 7 है, जॉइंट 7 है, और 3/2 लिंक कितने हैं आपके पास? 6 हैं, -2, 2 × 3 = 6, 7 इक्वल टू 3 × 3 = 9 - 2 = 7, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है, ये भी ओबे करती है। तो इसके अंदर ये दोनों इक्वेशन ओबे की, तो इसका मतलब क्या है? ये आपकी काइनेमेटिक चेन है। जो हमारी इस तरह की चेन्स होती हैं, या कहें कि जो 4 लिंक से ज़्यादा की बनी हुई चेन होती हैं, उनको हम कंपाउंड काइनेमेटिक चेन बोल देते हैं, जो 4 लिंक्स से ज़्यादा की बनी होती हैं। तो इस तरह की चेन को इस तरह से हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल करके काइनेमेटिक चेन देख सकते हैं कि ये काइनेमेटिक चेन है या नहीं। तो ये था हमारा अनकंस्ट्रेंड चेन, जिसमें हमने 5 लिंक्स को डिस्कस किया, और कंपाउंड काइनेमेटिक चेन जिसमें हमने 6 लिंक को डिस्कस किया। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।